नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड देहरादून में काफी लोगों को कुछ समय से आधार कार्ड के कामों को लेकर काफी परेशानी नजर आ रही थी। वहीं अब सरकार द्वारा आधार कार्ड देहरादून में बनवाने और अपडेट करवाना हुआ आसान। वहीं वार्ड नंबर 97 के पार्षद विनोद कुमार जी ने बताया कि लोगों को काफी परेशानियों को झेलना पड़ रहा था। उनको यहां जेएमएस रोड पर जाना पड़ता था। आधार कार्ड बनवाना हो या कोई नाम बदलवाना हो या अपडेट करवाना हो तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं आधार कार्ड के काम हर्रावाला चौक पर कार्यालय में लगवाया गया है, जिससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। लोग जो थे परेशान थे, यहाँ पर कभी रोज आते थे, कभी कोई जीएमएस रोड जाना पड़ता था, कई जगह जगह जाना पड़ता था लोगों को। आधार कार्ड किसी को बनवाना है नया, किसी की डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, किसी का एड्रेस चेंज करना है, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो हमारे यहाँ माननीय महापौर जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का ये क्षेत्र है, तो उनसे काफ़ी वो करके मैंने यहाँ पर कैंप लगवाया और इसकी स्वीकृति मिल गई है। अब कई दिन कैंप चलेगा और मैं विश्वास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और वार्ड 97 हर्रावाला, कुआंवाला और आसपास के क्षेत्रों में जहाँ भी जिनके भी आधार कार्ड नहीं बन पाए या जो भी है उनमें कमियाँ हैं, खामियाँ हैं और मोबाइल नंबर्स डालने हैं, तो वो सब लोग यहाँ पर आके करा सकते हैं और सभी को उसका फायदा मिलेगा। जिसका मैं ऊपर अपने महापौर जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर हमारे को कैंप के लिए परमिशन दिलवाई, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आधार कार्ड यूआईडी वालों से भी बहुत वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया यहाँ पर चल रहा है उनका, और लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। अभी के लिए इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।